नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान रिश्ते की। प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी के नेता लगातार पाकिस्तान से बदला लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन भारत और सऊदी अरब के साझा बयान में साफ साफ कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत का माहौल बनना चाहिए। जाहिर है रैलियों में बेशक बदले की बात हो रही हो, लेकिन बातचीत के रास्ते पर भी आगे बढ़ने की पहल भी शायद साथ साथ ही चल रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जल्द ही भारत और पाकिस्तान वार्ता की टेबल पर आ सकते हैं? इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक एम्बेसडर विवेक काटजू, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जोशी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे इस चर्चा में पार्टी के प्रवक्ता महेश वर्मा जी, और भारत पाकिस्तान रिश्ते पर कांग्रेस का नज़रिया रखेंगे पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा करें, इससे आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ऐसे वक्त में भारत दौरे पर आए जब देश पुलवामा के आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत के शोक में डूबा था। ऐसे वक्त में प्रिंस सलमान का भारत दौरा खासा अहम था। ये दौरा इसलिए भी अहम था क्योंकि पाकिस्तान से सऊदी अरब के बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि आतंकी के मुद्दे पर सऊदी अरब पाकिस्तान को कोई कड़ा संदेश देगा, लेकिन भारत और सऊदी अरब ने जो साझा बयान जारी किया उसमें सऊदी अरब ने आतंकवाद पर भारत का साथ देने की बात तो कही, लेकिन पुलवामा का कोई जिक्र नहीं किया। साझा बयान में पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते रखने पर जोर दिया गया। पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की गई, और खास बात ये कि इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए सही माहौल बनाने पर भी जोर दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में बने माहौल के बीच भारत और सऊदी अरब का ये साझा बयान बेहद अहम है। सवाल ये है कि क्या पर्दे के पीछे भारत और पाकिस्तान को दोबारा बातचीत के लिए तैयार करने की कोशिश हो रही है? सऊदी अरबियाज रिलेशंस विद पाकिस्तान आर मच क्लोजर देन हर रिलेशंस विद इंडिया। इन दिस केस एनीथिंग अनयूजुअल हैज हैपेंड। इट्स द सेम थिंग, नो कंट्री हैज नेम्ड जैश ए मोहम्मद, सो व्हाई शुड द वी एक्सपेक्ट द सऊदी क्राउन प्रिंस टू नेम जैश ए मोहम्मद। सिर्फ सऊदी अरब और भारत के साझा बयान में ही नहीं, दूसरे मंचों से भी भारत पाकिस्तान वार्ता बहाल करने की बात उठ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत पाकिस्तान रिश्ते को लेकर चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव घटाने के लिए फौरन कदम उठाने की अपील की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि दोनों देशों में तनाव घटाने के लिए कदम उठाए जाएं। यानी चुनावी रैलियों में भले ही बदले की बात हो रही हो, लेकिन डिप्लोमेसी बातचीत के रास्ते पर है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो उनके ऊपर काफ़ी निर्भर है, इकोनॉमिकली भी और अदरवाइज भी, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं और वहाँ पे उसकी नीति परिवर्तन कराने में उनको मदद करनी चाहिए। सभी विवादों का समाधान बातचीत से करने की सलाह पर मोदी सरकार का जवाब अक्सर यही रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन साझा बयान से कुछ अलग संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच जल्द ही बातचीत शुरू हो सकती है? और सवाल ये भी है कि पुलवामा के आतंकी हमले के बाद दी जा रही बदले की धमकी क्या सिर्फ चुनावी जुमला है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। क्या आपको लगा आज कि जो साझा बयान भारत और सऊदी अरेबिया का आया है उसमें जो कुछ लिखा गया है वह उस कथानक से बहुत भिन्न है जो पिछले कुछ दिनों से इस देश में बनाया जा रहा था पुलवामा हमले के बाद? निश्चित तौर पे जिस तरह से 18 तारीख तक प्रधानमंत्री जी का स्वयं का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, कोई वार्ता नहीं आतंकवाद के की घटनाओं के उपरांत, लेकिन हुआ क्या है? मात्र 2 दिन बाद ही कैसे हृदय परिवर्तन यदि प्रधानमंत्री जी का होता है कि पैरा 34 जो संयुक्त बयान है भारत और सऊदी अरेबिया का, उसके पैरा 34 में स्पष्ट ये मेंशन किया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान जो है अपने बातचीत के माध्यम से अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाएगा, जैसा कि 2014 से प्रधानमंत्री जी लगातार करते आ रहे हैं। तो ये अपने आप में या तो उन शहीदों के साथ कहीं ना कहीं मखौल उड़ाने वाली बात होगी,
या उन शहीदों के कुर्बानियों को आपने गंभीरता से नहीं लिया, या विगत 5-6 दिनों में जो पूरे देश में एक चर्चा परिचर्चा चलती रही है और जिस तरह से एक पूरे देश का मन मस्तिष्क है, एक मानस पटल पर है कि पाकिस्तान को उचित कार्रवाई पाकिस्तान के साथ हो और ठोस कार्रवाई हो, उसके साथ कहीं ना कहीं ये भद्दा मजाक है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और मैं इंगित करना चाहता हूँ, आज 7वां दिन होने को है, 7 दिन से हम लोग जो परिस्थितियाँ थी उसमें हम शांत थे और चुप थे, परिस्थितियों को देख करके नौजवानों के प्रति हमारी भी एक शहीद जवानों के प्रति एक अंदर से अंतर्मन में कहीं ना कहीं हम लोग का दर्द है, हम लोग आज आहत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जरा देखिए कार्य, 3:10 पर आतंकवादी हमला होता है, 3:10 से लेकर के और 6:45 तक प्रधानमंत्री जी जिम कॉर्पोरेट पार्क में क्या कर रहे थे, चुनाव प्रचार के लिए एक शूटिंग हो रही है और शूटिंग का वो शूटिंग में खुद ही भाग ले रहे हैं, उसके बाद नाश्ता खाना पानी सब चल रहा है, उसके बाद आपने देखा किस तरह अमित शाह जी 2 दिन बाद ही कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तीसरे दिन जब बात आती है मेरा सिर्फ यह है कि इतने गंभीर मुद्दे को आप इतनी आसानी से, यहाँ तो आप सियासत करने के लिए सारे काम कर रहे हैं और जहां जरूरत है जिन मंच पर, मैं कहता हूं आज भी ये दौड़ है, ये अलग दौड़ है, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, देश का दुश्मन है, सेना और सीमा पर यदि कोई बात हो रही है तो हम सभी लोग साथ हैं, कांग्रेस भी साथ है, सारी देश की पार्टियां साथ है, इस गंभीरता को रखिए और जो ठोस कार्रवाई हो कीजिए, इस तरह से इसको पूरी चीजों को सिर्फ सियासत के लिए नहीं कीजिए या किसी भी प्रतिबंध के सहारे नहीं। अजय जी अभी बात करेंगे, डॉक्टर जोशी क्या इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद आपको लगता है जिसमें कहा गया है कि भारत पाकिस्तान को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें वो विस्तृत वार्तालाप कर सकें, क्या आपको लगता है इस स्टेटमेंट के बाद जो टेम्परेचर था थोड़ा कम हो गया है, तापमान कम हो गया है सैन्य कार्रवाई का? ये तो साफ नजर आ ही रहा है, आप देख रहे हैं कि अमरीका से भी कुछ ऐसे इशारे हुए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग शुरुआत की जाए और टेम्परेचर जो है जैसे आप कह रहे हैं उसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी कहा, जैसे स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि पुलवामा की भी निंदा हुई है, पर विदेश मंत्री ने ये कहा कि आप ये सबूत दीजिए कि पाकिस्तान का साफ हाथ था पुलवामा के हादसे में। तो अगर आप सबूत नहीं दे सकते हैं तो कोई भी अगर ऐसी कार्रवाई करें, मिलिट्री कार्रवाई करें या कोई हमला करें, सर्जिकल स्ट्राइक्स करें, तो इसका उल्टा ही असर होगा। और प्रधानमंत्री जी ने खुद कुछ दिन पहले कहा था कि अब दुनिया को देखना होगा कि पाकिस्तान से कैसे झेला जाए, ये शब्द इस्तेमाल करना कि दुनिया को देखना होगा, इससे ये साफ हो गया था कि शायद प्रधानमंत्री जी जो हैं वो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस देख रहे थे, मिलिट्री ऑप्शंस जो हैं उसकी बात चाहे जितना करें। ठीक है, एम्बेसडर काटजू आपको क्या लगता है कि क्या आवश्यकता पड़ी भारत को कि एक तीसरे मुल्क के साथ जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा जाए कि भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें वार्तालाप हो सके, एक दूसरा क्या भारत को सऊदी अरेबिया से उपदेश की आवश्यकता है कि अच्छा नेबर क्या होता है, अच्छा पड़ोसी जो है कैसे रिश्ते रखता है, ये सब उपदेश हम सऊदी अरेबिया से क्यों ले रहे हैं? राजनीति से बहुत दूर हूं और मैं आपको इस जॉइंट स्टेटमेंट में जो आपने जो पैराग्राफ का जिक्र किया है उसका विश्लेषण एक पूर्व डिप्लोमेट के हैसियत से करूं। हाँ, बस सऊदी पाकिस्तान जॉइंट स्टेटमेंट में एक पैराग्राफ था जिसमें इमरान खान की जो पहल करतारपुर पहल की प्रशंसा थी और उसके बाद ये लिखा है कि डायलॉग के जरिए सब मामले हल हों हिंदुस्तान पाकिस्तान के। अब अगर ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जॉइंट स्टेटमेंट में है तो डिप्लोमेटिकली उसका जवाब देना जरूरी है जो कि भारत का पक्ष, जिस जवाब में भारत का पक्ष हो। तो अब मैं अंग्रेजी में आपको पढ़ूंगा कि क्या लिखा है, कि आप हिंदी में बताइए, पानी का पानी, आपको हिंदी अच्छी आती है? नहीं नहीं आप नहीं नहीं जरूरी है अच्छा। हिंदी में बताऊंगा, नहीं नहीं हिंदी में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि वो अंग्रेजी में आप देख लें जी,
उसको आप देख ले जरा, थोड़ा सबर रखें और देखें, नहीं तो फिर चर्चा इधर से उधर होती है। करिए ना, उसमें लिखा है बोथ साइड्स अग्रीड ऑन द नीड। अरे बताई तो रहा हूं, बोथ साइड्स अग्रीड ऑन द नीड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेसेसरी कंडीशंस। उसके मतलब क्या है कि वो जरूरी वातावरण बने जिससे बातचीत हो। तो आपकी जो कमेंट्री थी उसी में यह है कि इसके मतलब भारत का पक्ष है कि जब तक आतंकवाद चलेगा वो कंडीशंस नहीं बनेंगी जिसमें भारत और पाक वार्ता हो सके। तो ये तो हमारा पक्ष रखा है, बैलेंस हुआ है और बिल्कुल उचित हुआ है। ठीक है, इससे ये तात्पर्य कहीं नहीं निकाला जा सकता कि प्रधानमंत्री ने अपने ऑप्शंस, जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं, किनेटिक ऑप्शंस हैं, उनको बंद करके रखा है। ठीक है, ये तात्पर्य कहां से आ रहा है मुझे नहीं समझ आता। ये हम पूछते हैं बीजेपी से पूछते हैं। महेश वर्मा जी, पुलवामा के बाद मोदी जी ने कहा था कि अब पाकिस्तान से बातचीत के मौके नहीं रहे, बातचीत खत्म, अब एक्शन होगा। लेकिन अब दोबारा ये कंडीशनल बातचीत की बात करके कि अगर टेररिज्म रुकेगा, ऐसा उसमें नहीं लिखा, उसमें लिखा है ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। तो माहौल बन जाएगा तो आप बातचीत शुरू कर देंगे क्या? अब शांति दूत बन गए हैं मोदी जी? नहीं नहीं, ये तो कांग्रेस की पहल है, ये कांग्रेस की दिमाग की उपज है। जो ये कांग्रेस आज कह रही है तोड़ मरोड़ के किसी चीज़ों को जी, ये तो चूँकि आप देख रहे हैं अभी पिछले कई महीनों से सिद्धू जी को लेकर या मणिशंकर अय्यर जी को लेकर या पाकिस्तान प्रेम को लेकर कांग्रेस का कोई भी बयान या कोई भी उनके नेताओं का वहाँ आवागमन या उनका साथ या पाकिस्तान को लेकर लचीला रुख रखना, तो ये उसी का परिणाम है कि आज हम कश्मीर रूप में एक त्रासदी जो झेल रहे हैं, अपने जान और जवान की हम जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कांग्रेस इस बात को अगर कहे तो हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि वो क्यों कह रही है। आज 5 दिन का जो एक धैर्य था उनका आज टूट गया पूरा। एक कांग्रेस छोड़कर पूरे विश्व में सभी लोग हमारे साथ हैं इस मामले में, पुलवामा मामले में। आज जो पाकिस्तान के ऊपर पूरा विश्व टेररिज्म के खिलाफ बोलेगा, पूरा विश्व ये भी कहेगा कि हम आपको अपनी तरफ से कंडोलेंसेस देते हैं, सांत्वना देते हैं। नहीं साहब, नहीं साहब, लेकिन एक चीज करेक्ट करिए, पूरे विश्व ने ये नहीं कहा कि आप जाके पाकिस्तान पे कार्रवाई करिए। आप बहुत संजीदा आदमी है, कम से कम इस तरह के जो संजीदा विषय है उसके मामले में थोड़ा एक ठहराव के साथ कोई अगर चीज आप कहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बोलिए ना, मेरा सिर्फ आपसे निवेदन ये है कि जो आप बात जो कांग्रेस की तरफ से आज बात कही गई वो बेहद शर्मिंदगी है। किसी भी देश को इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात कुछ हो नहीं सकती है कि ये कह रहे हैं कि हमने देश की अस्मिता जो है सऊदी अरब के प्रिंस के हाथों बेच दी। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष को। अच्छा अजय जी, जवाब कैसे लोग हैं जो देश की अस्मिता के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करते हैं। जवाब सुन लीजिए ना, कांग्रेस से जवाब सुन लीजिए। बात क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी, ये क्या बात आ जाती है? साइन आपने किया है? नहीं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, साइन आपने किया और जो साइन किया है, साइन की जरा लाइन सुन लीजिए। पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया है, भारत और सऊदी अरबिया ने किया है। और क्लियर इस स्टेटमेंट 34 पैरा 34 देखिए क्या है, रिजम्पशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान। कहां झूठ है ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री ने पैसे लेकर नहीं और पैसे लेकर जवानों की जान से समझौता क्या किया है ये? आप ये क्या बातचीत करेंगे? क्या बातचीत करेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं? ये क्लियर कट आप देख लीजिए, आप सोचिए, बोल क्या रहे हैं? ये क्लियर कट क्या है? एक प्रधानमंत्री को जोड़िए, भारत और सऊदी अरबिया में भारत के प्रधानमंत्री ने और सऊदी के प्रिंस ने भी साइन किया है कि भारत और पाकिस्तान बातचीत करेगा। क्या बातचीत करेगा? क्या वे बातचीत करेगा कि हमारे सैनिकों को शहीद किया जाएगा? क्या ये बातचीत होगी कि हमारे पुराने जो हमने जो दिए हैं सबूत, उनके सबूत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या ये बातचीत होगा कि हमारे सैनिकों के सिर काट के ले गए? आगे चलते हैं, क्या ये बातचीत होगी कि पठानकोट जैसे घटना में फिर लाया जाए? अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, बात पूरे देश का, अजय उपाध्याय जी, आप लड़ाई का उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय जी सुनिए, अजय जी सुनिए, अजय जी, महेश जी, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, लैप्सेस रही है। अरे आप सरकार की सुनिए ना, फैली और रही है, हमारे 40 जवानों के शहादत हुई है, उन्माद फैला रहे हैं। सुनिए ना, एक आदमी ने जिम्मेदारी ली है। क्या युद्ध चाहते हैं? क्या आप युद्ध चाहते हैं? आप युद्ध चाहते हैं क्या? हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि बातचीत, दो पड़ोसी देश अपने संबंध कैसे सुधारें।
कि आपको लड़ाई चाहिए, मुझे मालूम है आपको नहीं चाहिए, आप खाली पॉलिटिकल पॉइंट्स बना रहे हैं, इनको देश का सत्ता चाहिए, औरों को भी तो हिस्सा लेने दीजिए, चाहिए अजय जी, औरों को भी भाग लेने लिए चाहिए। मनोज जोशी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मनोज के पास जाने दीजिए, अरे आप मनोज से बात सुनिए ना, मेरे को मनोज जोशी से बात करनी है। मनोज जी, आपने भी स्टेटमेंट पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है कि conditions conducive to a comprehensive dialogue, यानी बातचीत के लिए, विस्तृत बातचीत के लिए एक माहौल दोनों देशों को बनाने के लिए कहा गया है। हमें मालूम है पाकिस्तान से हम चाहते हैं कि वो आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करना बंद करे, आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद करे, उनको भारत ना भेजे, लेकिन भारत को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवॉल्व होती है ना, दोनों को कहा गया है। देखिए, इसमें ऐसा है, हमने देखा है जब भी आतंकवादी हमले होते हैं, ये हमले होते उस समय हैं जबकि भारत और पाकिस्तान वार्ता करने की तैयारी करते हैं। आपको याद होगा दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी लाहौर में उतरे थे, नवाज शरीफ को गले लगाया और एक हफ्ते के बाद पठानकोट में हमला हुआ। ये हमारे हमलों का इतिहास रहा है। तो इसमें भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये जो प्रोवोकेशंस होते हैं पाकिस्तान के से कहां से आते हैं, क्या आर्मी से आते हैं, कोई डीप स्टेट से आते हैं, इसकी समझ नहीं होती है, पर भारत को जो है काफी इसमें सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी कि ये डायलॉग जो है, इस डायलॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर भी बैठती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई शक नहीं है। पर अगर हम पठानकोट के जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि एक हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं और एक हफ्ते के बाद जो है बिल्कुल उनके स्वर जो है बिल्कुल पलट जाते हैं, और 2016 और 2017 में बिल्कुल प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व घूमे और उन्होंने पाकिस्तान की निंदा की और एक हमले की वजह से पूरा डायलॉग जो है वो डिरेल हो गया। ठीक है, ठीक है। तो भारत को जो है थोड़ा धैर्य रखना होगा, सोच समझ, इसी जो हमारी नीति रह चुकी है, पहले की पुरानी नीति भी रह चुकी है, इससे जो आतंक था, आतंक के जो इंसिडेंट्स थे, पाकिस्तान के आतंक के जो इंसिडेंट्स थे, ये घटते चले आ रहे थे। ठीक है, मनोज जी मैं आपके पास वापस आता हूँ। आप सब लोग भी धैर्य रखिए, महेश जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी। स्वराज एक्सप्रेस अब टाटा स्काई पर भी उपलब्ध, चैनल नंबर 592। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें लेकर मैं अनिक आर्यन हाजिर हूँ। देश का पहला न्यूज चैनल जो बुलंद करता है किसानों की आवाज, उनके मुद्दे, उनकी फरियाद। धान उपजा कर रखे हुए हैं, लेने वाला नहीं है, किसान तो कर्जे में जा रहा है। खबरें ग्रामीण इलाकों की, मंडी, खेत, खलिहानों की। हम सब किसके बच्चे हैं? किसान के। शहरों में गांव से आई आबादी की। सब बेरोजगार हैं। बातें सरकारी दावों की, पड़ताल कुछ आंकड़ों की। हमारे यहाँ केवल 20 दवाइयाँ हैं और पूरी तरह से ये योजना प्रधानमंत्री जी की फेल है। अपने किसानों से जुड़ी हर बात। ये रेड एल्पिनो है, इसकी विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होती है। देखिए मेरे साथ रोजाना शाम 6 बजे किसान बुलेटिन में। चर्चा में फिर से आपका स्वागत है। एम्बेसडर विवेक कारजू, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे पहले भी बताया कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस पहले पाकिस्तान गए, उसके बाद यहाँ आए, बीच में अपने देश भी गए, तो वो क्या कुछ संदेश लेके आए होंगे पाकिस्तान से, क्योंकि उनके विदेश या उनका, सुन लीजिए ना, पूरा सवाल सुन लीजिए, उनके जो विदेश मंत्री हैं जुबैर साहब, अल जुबैर साहब, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़े, तो क्या ये उनका एक मुख्य उद्देश्य रहा होगा कि भारत में आएं और कोशिश करें कि भारत और पाकिस्तान का तनाव न बढ़े?
देखिए, हर देश चाहता है कि भारत पाकिस्तान का तनाव ना बढ़े जी, उसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल जी, तो इसमें तो कोई स्पेशल चीज नहीं जी। दूसरी चीज, सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं करना चाहते, जब अगर दोनों देश चाहें तो हम बीच में आएंगे। भारत तो कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी नीति है कि हमारी और पाकिस्तान की डायरेक्ट बायलैटरल बात हो, इसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात ये कि अगर हम ये चाहते हैं कि जो 30 साल से सिलसिला चल रहा है, जैसे मनोज कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, कब तक? मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि सबर हमने दिखाया है 30 साल, क्या उससे पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म हुआ है? कैसे होगा? या अब क्या वक्त आ गया है जबकि हम बराष्ट्र, हम वही आपसे कह रहा हूं मैं, हम बहैसियत राष्ट्र, हमारा राजनैतिक वर्ग, हमारा सामरिक वर्ग बैठ के सोचे कि ये एक सामरिक चुनौती है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कीमत हमने बराष्ट्र बहैसियत राष्ट्र बहुत चुकाई है जी। और अब हमें राष्ट्र के सब साधनों को इकट्ठा करके एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, और उस लड़ाई के बहुत पहलू होंगे जिसके अंदर किनेटिक पहलू भी होंगे और जिसमें बातचीत और हर पहलू होगा, अप्रत्यक्ष युद्ध भी होगा। ठीक है, ठीक है। मैं अजय जी आपसे पूछना चाहता हूँ, अजय जी ये बताइए कि क्या कारण है? नहीं नहीं, तो यही सिलसिला चलेगा, और आप जिम्मेदारी निभाते हैं। और उसे भी पूछते हैं, अजय जी ये तो कह रहे हैं कि तरह तरह की लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस आए, मैं मुझे नहीं मालूम वो कोई मैसेज लाए कि नहीं, लेकिन तनाव अगर कम करना है, जो कि सऊदी अरेबिया भी चाहता है, अमेरिका भी युद्ध नहीं चाहता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि इट बी वंडरफुल इफ इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट अलॉन्ग, उसने ये नहीं कहा कि लड़ाई करिए। मैं कह रहा हूँ अगर लड़ाई रोकनी है या तरह तरह के युद्ध रोकने हैं, तो क्या कोई रास्ता भारत को नहीं चाहिए? ये कह रहे हैं लड़ाई के रास्ते, तरह तरह की लड़ाई के रास्ते, पर मैं कह रहा हूँ यदि पाकिस्तान मान लीजिए कहता है कि हम जैशे मोहम्मद के 2-4 लोगों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, या मान लीजिए आपको दे देते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा, पर मैं कह रहा हूँ कि एक रास्ता भारत के लिए भी तो होना चाहिए कि इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद तनाव करने का कोई एक शांतिपूर्वक तनाव कम करने का भी रास्ता होना चाहिए। इसके बारे में क्या आपकी पार्टी ने कुछ सोचा है कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि लड़ाई करिए लड़ाई करिए? नहीं नहीं नहीं, मेरा हमारी पार्टी का एकदम क्लियर स्टैंड है कि ये लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, इस बार भी हुई, एक तो उसमें बहुत सारे लेकुनाज थी, उस पर तो हम इंटरनल लेवल पे चर्चा करेंगे, एक प्रतिपक्ष संवैधानिक प्रतिपक्ष होने के नाते, लेकिन वो अपनी बात है। आतंकवाद पर हमने न हमारी पार्टी न भाजपा, मुझे नहीं लगता देश का कोई भी पार्टी आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी स्तर पर समझौता करने की बात कर रहा हूं। अब तनाव की बात है, तनाव अब कैसे तनाव कम होगा? यदि अमेरिका वाकई ईमानदार है भारत के प्रति, तो सऊदी अरबिया का सबसे बड़ा एलाई है, वो अच्छा एलाई है। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का एक दूसरे से इतना बेहतरीन रिलेशन है, क्या करना उनको, चाहिए बताइए उनको, ना? उनको प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए इंटरनेशनली पाकिस्तान पे कि अजहर मसूद को कम से कम इंटरनेशनली वो टेररिस्ट घोषित करे, भारत को सौंपे। इसके अलावा भी पहली भी कई घटनाएं हुई है, एक भी घटनाओं पे नहीं होती है। मेरे पास समय, अजय जी मत करिए, अजय जी आपको शोभा नहीं देते, और उनको बात करने दीजिए। महेश जी ये बताइए क्या क्या कारण है इस ज्वाइंट स्टेट में पाकिस्तान का नाम केवल एक बार आता है, और वो भी आता है तब जब बातचीत की बात हो रही है, लेकिन जब टेररिज्म की बात होती है, जब एक्सट्रीमिज्म या चरमपंथ की बात होती है, वहां पे पाकिस्तान का नाम इस जॉइंट स्टेटमेंट पे क्यों नहीं है? भारत ने क्यों नहीं डलवाया ये नाम? नहीं समझा, नहीं आपने अभी एक बात कही मुझसे कि क्लॉज है जिसमें, नहीं नहीं वो अलग क्लॉज है, एक टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म वाला, एक उसमें पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है? एक बात आप समझने की कोशिश करिए कि किसी भी व्यापारी का 100 करोड़ डॉलर अगर कहीं इन्वेस्टमेंट होगा, वो अपनी चिंता तो कंसर्न शो करेगा ही। ये आप मानकर चलिए सऊदी अरबिया अगर पाकिस्तान में 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहा है, वो हिंदुस्तान में आ रहा है, उसकी अपनी साख है वर्ल्ड की पांचवी। ठीक है, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मनोज जोशी आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि उस जॉइंट स्टेटमेंट में कि सऊदी अरेबिया और भारत चाहते हैं कि यूएन के पास पूरी पावर हो कि वो टेररिस्ट आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शंस लागू करे,
दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जो ज्वाइंट स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया ने साइन की है उसमें उन्होंने कहा है कि इन चीज़ों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, यूएन में ऐसे रेजोल्यूशन पास मत कराइए जिससे आतंकवाद का राजनीतिकरण हो। तो हम क्या समझें, सऊदी अरेबिया एक चीज़ चाहता है पाकिस्तान में, दूसरे भारत में? देखिए, इसी जॉइंट स्टेटमेंट में जिक्र किया गया है टेरर फाइनेंसिंग के बारे में भी। जी, उन्होंने कहा है कि बोथ साइड की कट ऑफ एनी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड फाइनेंसिंग टू टेररिज्म। और हमको ये भी मालूम है कि सऊदी अरेबिया से काफी रकम जो है वहाबी ऑर्गेनाइजेशंस में और इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म फैलाने में सऊदी अरेबिया से काफी रकम निकलती है, तालिबान को समर्थन मिलता है, भारत में भी कुछ एक्सट्रीम मदरसे जो हैं और उन लोगों को सपोर्ट मिलता है सऊदी अरेबिया से। तो ये सऊदी अरेबिया की जो है ये दो मुही नीति है, कहीं कुछ कहना कहीं कुछ कहना, ये काफी स्पष्ट है। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने क्या किया है कि जहां तक कि इस्लामिक रेडिकलिज्म जो है इसको एक्सटर्नलाइज कर दिया है, प्रमोट किया तो और देशों में फैला दिया है, पर अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ठीक है, ठीक है। आखिरी सवाल, बहुत कम मेरे पास समय है विवेक, 30 सेकंड समय है बता रहे मेरे को। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे में जब हमें मालूम है पूरा वहाबी टेररिज्म सऊदी अरेबिया ने फैलाया है, सऊदी अरेबिया ही पाकिस्तान को आर्थिक मदद लगातार देता रहा है जब और जगह से उन्हें नहीं मिलती, अभी वो $20 बिलियन प्रॉमिस करके आए हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का ये कहना क्या सही है कि गलत है कि प्रधानमंत्री को खुद हवाई अड्डे पर जाके हवाई जहाज की सीढ़ी के पास जाके उनका स्वागत नहीं करना चाहिए था और इतनी गर्मजोशी से गले मिलने की तो कोई आवश्यकता थी ही नहीं? देखिए, मेरा मानना है कि सऊदी अरेबिया से रिश्ते बढ़ाने चाहिए जी। हाँ, कॉम्पिटिशन और कोऑपरेशन साथ साथ चलता है कई चीजों नहीं, में गले मिलना चाहिए था कि नहीं, रुख बदलना पड़ेगा, गले मिलना चाहिए था कि नहीं। हाँ, देखिए, मैं वो उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं हमेशा से मेरी ये व्यक्तिगत सोच रही है कि प्रोटोकॉल ही मानना चाहिए, प्रोटोकॉल से हट कर बढ़ के किसी भी विदेशी नेता का स्वागत ठीक नहीं। कम से कम ऐसे नेता का नहीं जिसकी सरकार वहाबी टेररिज्म को फैलाती है दुनिया भर में, ये मान रहे ना आप, हाँ या ना? चलिए, हमारे पास समय समाप्त हो गया है। आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया, आप यहाँ पे आए, हमारे दर्शकों से आपका परिचय हुआ, आपके विचारों का परिचय हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।